नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं छिंदवाड़ा से मुकेश सोनी। आज हम बात करेंगे अरहर की दाल पर, और हम बात करेंगे अरहर क्या भाव में आ रही है और कितनी इसकी मांग है, और इस पर जानेंगे हम यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी आशुतोष डागा जी से। सर, ये बताइए कि मार्केट में अभी किस मात्रा में आ रही है तुअर की अराइवल? वैसे पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है। कुछ तो फसल किसानों ने कम लगाई, कुछ मौसम की मार हो गई, उसकी वजह से भी थोड़ा सा तुअर और अरहर जो अपन बोलते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है। मेनली अरहर की दाल सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली दाल है पूरे हिंदुस्तान में, और अरहर की दाल का कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसकी बदले में कोई दूसरी दाल खाई जा सके। ठीक है, मूंग है, उड़द है, लेकिन उतना उपयोग उनका नहीं हो पाता जितना अरहर दाल का उपयोग है। अरहर दाल का उपयोग हर होटल में, ढाबों में, हर जगह उपयोग होता है, घरों में एक टाइम का तो अरहर दाल का मेन उपयोग है ही है। प्रोडक्शन घटने की वजह से इस बार मार्केट काफ़ी हाई है। ऑलमोस्ट अरहर लगभग आज तक के मेरे देखते हुए समय में सबसे महंगे भाव पे चल रही है। लगभग अरहर की पोजीशन जो महाराष्ट्र की या कर्नाटका इस टाइप इस जगह की जो क्वालिटी है, इसकी भाव की पोजीशन लगभग 122-123 रुपए, मतलब दाल नहीं, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जिसकी 122-123 रुपए के आसपास की कीमत चल रही है। छिंदवाड़ा मंडी में अरहर की आवक लगभग पूरे सीजन में 25,000 कुंटल के आसपास की आती है, जो इस साल मेरा ऐसा मानना है कि 50-60% पे रह गई। और छिंदवाड़ा मंडी में अरहर की कीमत लगभग 9,000-11,000 रुपए के भाव के आसपास चल रही है। अभी प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी भाव ज़्यादा है। उपयोग बगैर इंटरनेशनल मार्केट के हिंदुस्तान में अरहर का पूरा काम पूर्ति नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। बर्मा से और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से इधर से अपने यहाँ अरहर दाल का इंपोर्ट किया जाता है, उससे आपूर्ति पूरी होती है। अरहर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रोडक्शन महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, MP, ये मेन उत्पादक प्रदेश हैं अरहर के, और उपयोग लगभग पूरे देश में होता है। तो मेरा यही कहना रहेगा किसानों से कि अरहर में ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा उसको उगाएं, और सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छा बीज किसानों को प्रोवाइड कराएं जिससे वो उत्पादकता अपनी बढ़ाएं, और क्योंकि अरहर दाल सबसे लंबी फसल है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार की कमी क्यों देखी जा रही है? सबसे बड़ा रीज़न रहा मौसम। मौसम की मार के कारण अरहर को काफ़ी नुकसान हुआ। जिस टाइम पे फसल पूरे अपने कटाई के तरफ जा रही थी, उस टाइम पे मौसम ने एकदम बदलाव लिया। मौसम के बदलाव की वजह से ठंड ज़्यादा पड़ गई। ठंड पड़ने से जो पाला पड़ा उसमें अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी वजह से प्रोडक्शन घट गया। अभी हाईएस्ट रेट इसका अच्छी दाल का कितना होगा? मेरे हिसाब से बेस्ट दाल की कीमत 200 रुपए से कम नहीं होगी मार्केट में। एक अंदाज 170 रुपए से नीचे तो अरहर की कोई दाल है नहीं, और अच्छी बेस्ट क्वालिटी अगर टॉप क्वालिटी की दाल 200 रुपए के आसपास होगी। लगभग हर सालों की अपेक्षा अरहर दाल, मतलब प्रोडक्शन कम होने के बाद भी फिर भी थोड़ा सा क्योंकि हाई रेट होने की वजह से थोड़ी डिमांड भी कम हो जाती है, लोग दूसरी दीगर दालों की तरफ डाइवर्ट होते हैं, जैसे मूंग की दाल का उपयोग ज़्यादा करने लग जाते हैं, या चना दाल का उपयोग करने लग जाते हैं, या आपका मटर दाल का उपयोग करने लगते हैं। तो लेकिन कोई भी चीज़ें इस बार सस्ती नहीं है। आने वाले समय में और कितने दाम बढ़ने के चांसेस? अरहर में शॉर्टेज आइटम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अरहर दाल 250 रुपये भी बिक जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और खड़ी मतलब तुअर या अरहर जो है वो 150 रुपये भी बिक जाए, 140 रुपये बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की धारणा 125 रुपये के आसपास तो अभी चल रही है, तो 30-35-40 होने की भी कोई संभावना है, आराम से हो सकती है। तो जिन किसानों के पास स्टॉक होगा उन्हें अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है?
हाँ, उन जिन किसानों के पास में स्टॉक है उनको अच्छी अच्छी दाम मिलने की उम्मीद है, और जिन व्यापारियों के पास में भी थोड़ी बहुत मात्रा में जो व्यापार कर रहे हैं, जिनके पास में माल है, उनको भी अच्छी कीमत मिलने का उम्मीद है। लेकिन अभी एक समय अभी ये मेन समय है, इस समय में लगभग जो मई के महीने में ऑलमोस्ट हिंदुस्तान अपने घरों के लिए अनाज, दालें, ये सब चीज़ों का स्टोर करता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां लग जाती हैं और सबके पास में जो सैलरीज हैं या जो भी अपनी सेविंग्स हैं या उनका उपयोग वो साल भर के अपने मसालों के लिए, दालों के लिए स्टोर करने के लिए करता है। मौसम भी मेन गर्मी का रहता है, तो चीज़ों को ठीक रखने के लिए या उनको अच्छा करने के लिए धूप कड़क रहती है, तो धूप दिखा के स्टोर करता है। तो अभी खपत और आपकी मांग और बढ़ेगी, लोगों की मतलब डिमांड जो निकलेगी। हालांकि शादियां अब नहीं हैं, लेकिन जो रेगुलर खाने वाली चीज़ें हैं उनमें सभी चीज़ों में तेज़ी ही रहेगी, मंदी नहीं रहेगी। मैं आशुतोष डागा, छिंदवाड़ा। तो आने वाले समय में अरहर पर और तेज़ी देखी जा सकती है। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम टीवी, छिंदवाड़ा से।